हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर साहब को दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो भैया, आज आ गए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ सर्कल्स क्लास 9th। बहुत सारे बच्चे डिमांड करते सर सर्कल का वन शॉट पढ़ा दो, सर्कल का वन शॉट पढ़ा दो। तो मैं आज यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि भैया, ये सर्कल का वन शॉट है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, 113,000 इसके अंदर व्यूज़ आ चुके हैं। सर्कल्स 9th क्लास का बड़ा धमाकेदार विद, मतलब बहुत बढ़िया एनर्जी। ये देखो, ये हमारी वन ऑफ द स्टार्टिंग वीडियोज़ हैं। इससे ज़्यादा, मतलब देखो, बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं है, और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये एक वन ऑफ द इनिशियल वीडियोज़ ऑफ दिस चैनल थी। तो यहाँ पर एनर्जी भैया पूरी हाइपर है, और कॉन्टेंट में कोई भी बदलाव नहीं आया है। उल्टा इसके अंदर थोड़ा सा फालतू कंटेंट ही मिलेगा, बढ़िया कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को दोबारा दोहरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी इसको एक साल नहीं हुआ है। अगर हाँ, 1.5 साल पहले मैंने वन शॉट बनाया होता तो मैं उसको दोबारा ज़रूर दोहराता आप लोगों के लिए, लेकिन ये वन शॉट बड़ा क्रिस्प वन शॉट ऑलरेडी बन रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, आप देख सकते हो। ओल्ड पर जाकर क्लिक कर लेना और आपको ये वाली मेरे और मेरे भाई की फ़ोटो दिख जाएगी, सर्कल्स क्लास 9th, जाकर देख लो। अगर लेक्चर नहीं देखा है तो, अगर आपको सर्कल नहीं आता तो पहले आपको सर्कल देखना पड़ेगा, फिर ये वाले 20-25 क्वेश्चन, जिसमें से पेपर आएगा ही आएगा, लिखित में ले जाओ, लिखित में ले जाओ। एनसीईआरटी प्लस आज की क्लास जोड़ दो, उसके बाहर करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, इतना पढ़ जाओ। 10th का भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर पढ़ा रखे हैं, जो जरूरी है 9th के बच्चों को भी पढ़ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सर्कल्स का वन शॉट नहीं आएगा, ये ऑलरेडी बना हुआ है, बड़ा प्यारा वन शॉट है, वो दोस्तों के साथ फैला दो। ये 113K यानी 113,000 व्यूज़ हैं, इसको 1.5 लाख कर दो, ठीक है जी। उसके बाद आप ये वाला लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है जी। अगला लेक्चर जो अब मैं आज भी पढ़ाने जा रहा हूँ, दीज आर मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम या अभी PT3, PT4 के अंदर आएंगे, ठीक है जी। बात समझ में आ गई, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर ये दावा है पेपर यहीं से आएगा, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन हमारी ई बुक के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पिछले कई सालों से बच्चों को करा रहा हूँ, और अगर आप यकीन ना मानो तो आजमा के देख लेना, पेपर यहीं से आएगा। इतनी बड़ी दावा कह दिया मैंने तुमको, और बताओ। मतलब देखो, मैथमेटिक्स में सेम क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सर्कल में सेम क्वेश्चन आने की भी संभावना पूरी की पूरी होती है, और अगर सेम नहीं भी आया तो आसपास मिलता जुलता क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है जी। तो पढ़ने से पहले जिन बच्चों ने पढ़ लिया चैप्टर तो एक बारी ब्रशअप कर लेते, जिन्होंने नहीं पढ़ा वन शॉट, डिस्क्रिप्शन लिंक अभी दिखाया, ठीक है ना, जाकर आप देख सकते हो। जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए छोटा सा एक मैं ओवरव्यू देता हूँ, कुछ पॉइंटर्स जो आपको याद रखने हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, पहली थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये सर्कल है, ठीक है जी। अगर ये सेंटर है, ओके, इक्वल कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स बराबर हैं बेटा, ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं, ए बी जो है वो बराबर है बच्चों सी डी के, तो एंगल ए ओ बी सी ओ डी के भी बराबर होगा। अगर ए बी बराबर है किसके बेटा, सी डी के, तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, तो एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, पहली बात, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, एक ये कॉर्ड है ए बी, और लेट से एक ये कॉर्ड है सी डी, अगर ए बी और सी डी बराबर है, अरे बड़ा गंदा लिखा भाई, ए बी और सी डी बराबर है तो इनकी दूरी, दूरी मतलब परपेंडिकुलर दूरी, यानी ये इसके बराबर होगा, यानी ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, एंड इन बोथ द केसेस वाइस वर्सा आल्सो। अगर कॉर्ड्स बराबर हैं, एंगल बराबर है तो कॉर्ड बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स बराबर होंगी, क्लियर है। आगे देखें, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये एक सर्कल है, ये कॉर्ड है, इससे एक परपेंडिकुलर गिरा, मान लो ओ डी परपेंडिकुलर है, इफ ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी देन ए डी जो होगा वो बी डी के बराबर होगा, एंड वाइस वर्सा।
perpendicular from center to chord bisects the chord. Angle in same segments are equal. एक ये सर्कल है, ठीक है जी, सेंटर की आवश्यकता नहीं है. ये आपको पता है, ये सेगमेंट है माइनर, ये सेगमेंट है मेजर. एंगल इन सेम सेगमेंट, तो यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे बच्चों, वो सारे बराबर होंगे. चाहे आप मेजर की बात कर लो, चाहे माइनर की बात कर लो. एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री एंड एटसेट्रा आर इक्वल. एक सेगमेंट के अंदर बनने वाले सारे एंगल बराबर होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत काम आती है. फिर एंगल मेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. इसको बोलते हैं एंगल मेजर थ्योरम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसका प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको मेरे वन शॉट वाले लेक्चर के अंदर मिल जाएगा. ठीक है जी, गॉट इट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ है. क्या कहता है कि एक सर्कल है, सेंटर पर ये एक आर्क होती है बेटा, एक आर्क, यू नो दैट आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क. इस आर्क ने सेंटर पर एंगल बनाया, लेट से थीटा या एक्स, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी बना लिया. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो बनाएंगे वो आएगा थीटा बाय टू, वो आधा होगा. ठीक है जी, ये बात ध्यान रखना. जो सेंटर में एंगल बनेगा वो हमेशा डबल होगा. ये बात आप जानते हो, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ. नहीं जानते थे, मैं फिर कह रहा हूँ, ईगो में मत आना. डायरेक्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सर अगर बोल रहे हैं सर इसी में से पेपर आएगा तो खाली यही पढ़ लेता हूँ, गलत बात हो जाएगी. आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी मज़ेदार तरीके से क्रैक हो जाएंगे. 1 घंटा 17 मिनट का वो है, उसके अलावा 1 घंटा उसके ऊपर प्रैक्टिस पे लग जाएगा. 2-2.5 घंटे इन्वेस्ट करो, चैप्टर 100% क्रिस्प हो जाएगा. आधा पौने घंटे का ये लाएगा लेक्चर, हो गया काम खत्म. एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ आर ऑफ 90 डिग्री, आर ऑफ 90. जितने भी एंगल सेमी सर्कल पे बनते हैं बच्चों, इफ दिस इज डायमीटर, बहुत काम की चीज है ये. जितने भी एंगल सेमी सर्कल पे बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे सेमी सर्कल पर, वो सारे 90 डिग्री के होंगे. समझ में आ गई बात? वो सारे 90 डिग्री के होंगे. सॉर्ट इट. इसके अलावा जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा. ये सारी थ्योरम्स आप लोगों ने पढ़ी थी, इसमें कई थ्योरम का आपने प्रूफ भी पढ़ा था, और वो सारे आपको मेरे वन शॉट में मिल जाएंगे. गॉट इट? क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग, अगर अभी तक आप लोगों ने ये सारी चीज़ें दोहराई नहीं है, मतलब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, आप बूस्टअप होना चाहते हो, तो एक क्रैश कोर्स तुम्हारे लिए आ चुका है. 2 मिनट लूँगा आप लोगों के. क्रैश कोर्स आपका आ चुका है, जो कि इस कमिंग वीक से शुरू हो रहा है, अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 28th or 29th of November. और ये 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए वैलिड है. ऑब्वियसली बात है, आप 9th के बच्चे होंगे जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो 9th के लिए वैलिड है. प्राइस आपको दिखेगा 1300-1400 जो भी दिखेगा, लेकिन आफ्टर अप्लाइंग फाइनल 40% ऑफ कोड लग जाएगा, तो 780 रुपये. टिल एग्ज़ाम तक का ये आपको मिल जाएगा डेटा, सब कुछ. लाइव लेक्चर आएंगे, सारा सिलेबस वहाँ पे दोबारा दोहराया जाएगा, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, विद MCQs, ऐसी साइंस में एजर्शन रीजनिंग, केस स्टडी बेस्ड, मॉक टेस्ट, सब कुछ होगा. पूरे के पूरे मॉक टेस्ट होते हैं, और वहाँ पर 780 रुपये, 5 रुपये पर रुपये से भी, पर डे से भी कम का खर्चा है. 9th का बैच लेना हो तो आप ले सकते हो जाकर हमारे ऐप से, विच इज़ साइंस एंड फन, वो तो जानते ही होगे आप, ठीक है ना? तो वहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज आपके शुरू हो जाएंगे. ऑफर है जो वैल्यूड है 40% 15 दिसंबर है, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर आपको लेना ही है तो अभी लो, कि ताकि आप साथ साथ ही अभी शुरुआत आपकी हो जाए और लाइव लेक्चर आप देखना शुरू कर दो, स्टार्टिंग फ्रॉम 28th or 27th of November. गॉट इट? तो कोर्स परचेज यहाँ से आप कर सकते हो. ठीक है जी, इसमें इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करते आप सीधा कोर्स पर पहुँच जाओगे. डन, ठीक है जी. तो इसी धमाकेदार, ये सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने पेड बैच में करा चुका हूँ, ठीक है ना? पेड बैच वाले बच्चे भी हाजिरी लगा दें. चलो, स्टार्टिंग द वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट वन मार्कर क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लगता है ये. कह रहे हैं द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर. ठीक है, ये एक सर्कल है, रेडियस 13 है और लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ है बच्चों 10. रेडियस आ गया जी, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी कोई बात नहीं जी, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. सेनोरिटा नीचे हो जाओ. चलो,
तो ये कितना आया था बेटा हमारा 13, और ये पूरा दे रखा है 10. आपको क्या निकालना है बेटा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर. डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको ये ओडी निकालना है. ठीक है जी. अब सिंस ओडी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी के, देन एडी जो हो जाएगा वो बीडी के बराबर हो जाएगा. दोनों 5-5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे. कारण वही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. अब ये जल्दी जल्दी भी हो सकता है क्वेश्चन फटाफट, लेकिन मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता है ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आ जाए. ठीक है ना. एडी बीडी 5 सेंटीमीटर आ गया. अब आप इस ट्राइंगल में लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, और फटाफट मैं से भी पहले जवाब बता सकते हैं. एओ का स्क्वायर, ओडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर. एओ 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया ओडी का स्क्वायर. 169 माइनस 25 ओडी का स्क्वायर, 144 अंडर रूट ओडी आ गया. तो देयरफॉर ओडी की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर. एमसीक्यू आता है जनरली, लेकिन 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्लियर है, सिंपल है दैट, मुश्किल नहीं है. इन फिगर, अब ये ना फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं. देखो ये फिगर वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं, इनको हम ओरली क्रैक करेंगे. आप कहोगे तो थोड़ा सा हम इसको प्रेजेंटेशन भी एक आध की सिखा देते हैं आपको. ये देखो ना, आपको दिख रहा होगा ये मेरी ही बुकलेट के क्वेश्चन है, ओएसआर की बुकलेट के. कह रहे हैं इन फिगर एंगल बी ए ओ इज 30 डिग्री. बी ए ओ कितने डिग्री का है? 30 डिग्री. बी ए ओ, बी ए ओ 30 डिग्री का है. बहुत ही बढ़िया. ठीक है जी. और ओ सी बी ये कितने डिग्री का है बेटा? 40 डिग्री का. आपको निकालना है ए ओ सी. अब समझो, समझ गए होगे, आप पॉज करके खुद भी कर सकते हो. अब इन ट्राइंगल बी ओ ए, इन ट्राइंगल बी ओ ए, जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर है. ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी. तो देयर फोर एंगल ओ ए बी ओ बी ए के बराबर हो जाएगा. ओ ए बी एंगल ओ बी ए के बराबर आ जाएगा. वही एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो मतलब एंगल ओ बी ए भी आपका 30 डिग्री का आ गया. सही है ना, ये वाला एंगल आपका आ गया 30 डिग्री का. सिमिलरली एंगल सी बी ओ भी 40 का आ जाएगा बेटा. अच्छा, आपने ये पूछा नहीं कि सर ओ ए और ओ बी बराबर क्यों है. फटाफट कॉमन में लिख के बताओ कि ओ बी और ओ ए बराबर क्यों है. ओ ओ ओ ए और ओ बी ये दोनों आपस में बराबर क्यों हैं, जल्दी बताओ. यस, बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. एक ही सर्कल के दो रेडियस हैं. ठीक है ना. तो यहां पर आ गया जी सिमिलरली, पूरा ढंग से लिखेंगे हम टीचर लोग ऐसे लिख सकते हैं. सिमिलरली एंगल ओ बी सी, ओ बी सी कितने डिग्री का हो गया बेटा? 40 डिग्री का हो गया. ठीक है. तो एंगल ए बी सी टोटल हो गया 70 डिग्री का. तो ए ओ सी आज अन्य आ जाएगा. देखो, विच इंप्लाइज एंगल ए बी सी कितना हो गया? 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बोले तो 70 डिग्री. सही है. नाउ जो एंगल ए ओ सी होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी हो जाएगा. डिग्री मेजर थ्योरम या एंगल मेजर थ्योरम, अगर टीचर मना करती तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. ये पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी. ठीक है जी. तो एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 70 डिग्री बोले तो 140 डिग्री. तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा 140 डिग्री. तो ये काम हम 1 मार्क करें तो ओरली भी कर पाएंगे. कैसे भाई? ये और ये बराबर है 30, तो ये भी 30. ये और ये बराबर है 40, तो ये भी 40. ये टोटल आया कितना? 70. तो ये कितना होगा? 140. डायरेक्ट टिक हो जाएगा. दिस इज जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन, अगर पूरा पेपर में आता है तो. अगला सवाल क्या कह रहा है जी? इस फिगर के अंदर कहाँ की फिगर?
ये रही फिगर हमारी, फिगर नंबर 11 पढ़ो। कह रहे हैं ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ए बी एंड ए सी एट सेंटर आर 80 डिग्री। तो ये कितना दे रखा है, ए बी 80 डिग्री और ये दे रखा है बेटा आपको 120 डिग्री। सही है, आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन एंगल बी ए सी, बी ए सी निकालना है एंड द डिग्री मेजर ऑफ बी पी सी। पी यहीं कहीं होगा, पी यहीं कहीं होगा, ये रहा पी, इधर बना देते हैं, मिस प्रिंटिंग है, ठीक कर लो, बी पी सी। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है ये, मैं ओरली कराना चाहूँगा। ये 80 है, ये 120 है, फटाफट बताओ ये वाला एंगल कितने का होगा। ये 80 है, ये 120 है, टोटल हुआ 200। कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360, तो ये कितने का हो गया बेटा, 160। 200 हो गया ना, 200, टोटल कितना है, 360 एंड दिस इज 160 हो गया। अगर ये हमारा 160 है तो ये वाला कितने का होगा बेटा, जल्दी जल्दी बताते चलो कमेंट सेक्शन में। ये आ गया हमारा 80 डिग्री का। अब ये 80 डिग्री का है तो ये वाला कितने का होगा। एक पॉइंट मैं आपको पॉइंट टू रिमेंबर बताना भूल गया, वो था बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक सर्कल जिसके ऊपर चारों पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होते हैं एंड अपोजिट एंगल का जो सम होता है, ए प्लस सी जो होता है वो 180 होता है एंड बी प्लस डी जो होता है वो भी क्या होता है, 180 होता है। तो ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा, 100 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है जी, दूसरे कलर से लिख दें, येलो, ये आ जाएगा 100 डिग्री का। बात समझ में आ गई। तो ये 80, ये 120, तो ये कितना हो गया बेटा, 160 हो गया। 160 है तो ये कितना हो गया, 80। ये 80 है तो ये कितना हो गया, 100। गॉट इट। तो इसको आप परोस लोगे, ढंग से परोस लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप ट्राई कर सकते हो, मैं भी बता रहा हूं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी सी डी एट सेंटर इज 140, बी सी इज प्रोड्यूस टू पी, डिटरमाइन बी ए डी। आपको निकालना है बी ए डी, पहले तो ये वाला एंगल निकालना है और निकालना है डी सी बी, डी सी बी, डी सी बी, यानी ये वाला एंगल निकालना है। सेम क्वेश्चन है बेटा जैसे अभी किया आप लोगों ने। ये 140 है तो ये कितना आ गया हमारा, 70 डिग्री आ गया। कैसे आया, डिग्री मेजर थ्योरम। कैसे आया, डिग्री मेजर थ्योरम। सेंटर पे 140 है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कितना होगा, उसका आधा होगा। ठीक है जी, अब ये 70 है और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये कितने का आ जाएगा बेटा हमारा, 110 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 110। आपको क्या निकालना था, डी सी बी और बी ए डी। सही है, गॉट इट। मुश्किल, चलें आगे, आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे। अब आएंगे थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो थे अभी तक जितने आपने किए वो लगभग 1 और 2 मार्क्स के थे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। और मैं फिर बता रहा हूँ, 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहीं से ही आएगा, दिखा रहा हूँ मैं आपको। इन फिगर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्क्स में आता है। इन फिगर ओ डी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ये परपेंडिकुलर है और ये डी है, ठीक है ना। ओ डी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर ओ है, अगर बी सी डायमीटर है। शो करना है सी ए इज ट्वाइस ऑफ ओ डी, शो करना है जो ए सी है वो ट्वाइस ऑफ ओ डी है। करते हैं, देखो कैसे आएगा, गिवन टू प्रूफ लिख देना, मैं सीधा प्रूफ पर जा रहा हूं। देखो कह सकते हो ओ इज, चलो पहले हम ऐसे लिखते हैं, जो एंगल डी है वो 90 डिग्री का है, यस और नो। जो एंगल डी है वो 90 डिग्री का है, चाहे आप ओ डी बी लिख दो, पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो। एंगल ओ डी बी कितने डिग्री का है बेटा, 90 डिग्री का, ये बात आपको गिवन है कि नहीं है, ठीक है जी। और एंगल सी ए बी, ये भी तो 90 डिग्री का है, एंड एंगल सी ए बी भी क्या है, 90 डिग्री। अभी अभी मैंने आपको पॉइंट टू रिमेंबर बताया था, एंगल्स इन सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे बच्चों, 90 डिग्री के होंगे। तो ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया, तो विच इंप्लाइज एंगल ओ डी बी बराबर आ गया सी ए बी के। तो देयर फोर अगर ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई, ओ डी
is parallel to DC by converse of corresponding angles. बेटा देखो अगर ये दोनों lines parallel होती तो ये दोनों angle बराबर होते. अभी ये वाला angle 90 का है, ये वाला angle 90 का है, तो ये दोनों lines क्या हो जाएंगी आपकी, parallel हो जाएंगी. ठीक है जी. And O is midpoint. O क्या हो गया बेटा, midpoint हो गया on BC. O BC के ऊपर क्या है, midpoint. क्योंकि OB जो है वो OC के बराबर है, radii of same circle. Which implies that कि D is also midpoint. D is also a midpoint on AB and OD is equals to half of AC. कारण बता दो, जल्दी जल्दी कारण बता दो. और अगर कारण मेरे बताए हुए से मैच कर जाएगा ना तो अपने आप को शाबाशी दे देना, तो मैं याद रहा. कारण बता दो कि ये इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा और ये इससे आधा होगा, ऐसा क्यों? तो अगर आपने भी सोचा, बोला या लिखा मिड पॉइंट थ्योरम, तो अपने आप को शाबाशी दे दो क्योंकि ये थ्योरम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर की है. क्या आया बेटा हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है जी. ये आया ट्वाइस ऑफ ओडी इज इक्वल्स टू एसी, यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड. अगर आप क्वेश्चन की बात पूछो तो यस, ये वन ऑफ द चुम्बेश्वरी क्वेश्चनों में से एक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. ठीक है जी, डन है, प्रिपेयर करेंगे. मैं दोबारा से आपको री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 90 है तो ये 90, ये 90 है तो ये 90 क्यों है, एंगल इन सेमी सर्कल और ये गिवन है, तो ये लाइन क्या हो गई, पैरेलल, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट है तो ये वाला भी मिड पॉइंट होगा और ये इसके हाफ होगा, यही प्रूफ करना था यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, या आप कह सकते हो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, एक ही बात है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सही है, डन है. अगला सवाल, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स. ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं. टीचर्स को वो क्वेश्चंस पसंद होते हैं जिनमें फिगर होती नहीं है, तो उन पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होता है. ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं हुज डायमीटर इज ए सी. ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिसका डायामीटर ए सी है. सही है जी, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के बराबर है. प्रूफ करना है ए बी जो है वो सी डी के बराबर है. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें लगेगी एक कंस्ट्रक्शन. देखो जरूरी नहीं है कि आप सीधा सीधा लेक्चर देखते चलो, आप इस लेक्चर को पॉज कर सकते हो, पहले हर एक क्वेश्चन खुद कर सकते हो और फिर मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो, इससे आपको और अच्छा महसूस होगा. चलो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं तो कंस्ट्रक्शन क्या लगेगी, डॉट तो बनी नहीं रही, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये ओडी, अच्छा डी तो हो चुका है ना, तो इसको ई ले लो और इसको एफ ले लो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. सही है जी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी. प्रूफ अब देखेंगे, प्रूफ कुछ नहीं करना, बस इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्रायंगल ए ई ओ एंड ट्रायंगल सी एफ ओ एंड ट्रायंगल सी एफ ओ. कैसे होगा ध्यान से देखो, पहले तो ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 है, गिवन अभी हमने प्रूफ किया, ये दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हैं और एक ये वाला एंगल आ गया, तो एंगल ए ई ओ सी एफ ओ के बराबर है ईच ऑफ 90 डिग्री. एंगल ए ओ ई एंगल सी ओ एफ के बराबर है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और जो हमारा कौन सा है, ये दोनों, जो ए ओ है वो सी ओ के बराबर है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्लियर है जी, बराबर आ गए. तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ई ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया
CFO के बाय एंगल एंगल साइड बाय एंगल एंगल साइड। तो जिससे हमको क्या मिला, हमने ऐसा कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, इससे हमको OE OF के बराबर मिल गया। बट ये क्यों हम ले रहे हैं, OE OF के बराबर आ गया बाय CPCT। बट हमें तो AB को CD के बराबर करना था, तो हो तो गया। अगर OE OF के बराबर है तो AB भी CD के बराबर होगा। क्यों, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, दूरी बराबर है तो कॉर्ड भी क्या होंगी, बराबर। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अब मेरी बात समझो, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर मैंने तो अलग तरीके से किया है, जिन्होंने पॉज करके खुद किया होगा कि सर मैंने तो इसको ज्वाइन कर दिया। लेकिन बेटा एक बात आप कान खोलकर सोचो, आपको कैसे पता कि जो बीडी है वो ओ से ही पास आउट करेगी, जो तुम्हें पता ही नहीं है, सही है। तो आप ऐसे ही कंस्ट्रक्शन देखो, ऑल्टीट्यूड, हर एक बेस का एक ऑल्टीट्यूड जरूर होता है, हर एक लाइन के ऊपर एक नहीं अनगिनत ऑल्टीट्यूड होते हैं, तो यहां से भी एक ऑल्टीट्यूड तो गिरेगा ही गिरेगा। ये हमने एक जनरल बात की है। लेकिन अगर आप बोलो कि बी डी ओ से ही पास आउट होगी, वो तो कैसे मान सकते हैं, हो भी सकती है और नहीं भी तो हो सकती, तो वो वाला तरीका गलत है, पहले बता रहा हूं मैं आपको, सही है, डन है। अगला पार्ट, अब भैया कान खोल लो, कान खोल लो, कमर सीधी कर लो और फोकस होके ये क्वेश्चन देख लेना। लगातार तीन से लेकर चार क्वेश्चन आएंगे, तीन क्वेश्चन आएंगे शायद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दूर दूर तक नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इतना दे रखा है, आपको पी क्यू की वैल्यू बतानी है। पी यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, तो मैं आपको पी बना के दे देता हूँ, ये पी है और ये क्यू है, ठीक है ना, आपको पी क्यू की वैल्यू बतानी है। गॉट इट, क्लियर है, डन है। चलो देखो अब कैसे करेंगे, क्या क्या गिवन है दोबारा पढ़ लेते हैं। रेडियस है 5, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी ये 90 है, कलर ये 90 है, ये भी 90 है, ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर, ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखे हैं, ए बी की लेंथ दे रखी है 6 और सी डी की दे रखी है 8, आपको पी क्यू की लेंथ निकालनी है। इन शॉर्ट आपको डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड्स के बीच में आपको दूरी बतानी है, ठीक है जी। अभी एक क्वेश्चन आएगा जहां डिस्टेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स गिवन होगा, आपको रेडियस फाइंड आउट करना होगा, ढंग से समझो। अब सॉल्यूशन ढंग से देखना, अगर आपकी ए बी 6 सेंटीमीटर की है तो देयरफोर ए पी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, सही है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड, सही है, डन है। तो ए बी आ गया 6, तो ए पी आ गया 3, तो सिमिलरली तुम्हारा सी क्यू कितना हो गया बेटा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सी डी 8 था, हाँ है ना। अब देखो इन ट्राइंगल ए पी ओ, इन ट्राइंगल ए पी ओ, जो AO का स्क्वायर होगा, पाइथागोरस थ्योरम, AO का स्क्वायर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर होगा, AO का स्क्वायर AP का स्क्वायर OP का स्क्वायर होगा। AO क्या है बेटा हमारा, AO रेडियस है विच इज 5, AP कितना है बेटा 3, तो यहां से OP आ जाएगा आपका 25 माइनस 9, OP का स्क्वायर 16 का अंडर रूट, ओपी आ गया, तो ओपी की वैल्यू आ गई बेटा 4 सेंटीमीटर, ओपी की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं ड्रॉ करूं कुछ, तो ये 3 है, ये 5 है, ओपी कितना आ गया बेटा हमारा 4 सेंटीमीटर, सही है। यही सेम काम आपको करना है सी क्यू ओ में, एन ट्राइंगल सी क्यू ओ में, एन ट्राइंगल सी क्यू ओ,
तो जो सी ओ का स्क्वायर है वो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर के बराबर हो गया। तो सी ओ क्या है बेटा? 5। रेडियस तो 5 ही है भाई, ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या है बच्चों? रेडियस है। ओ क्यू क्या है? वो तो निकालना है। सी क्यू क्या है? अभी निकाला था 4। 25 माइनस 16 ओ क्यू का स्क्वायर 9। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। सही है, ये आ गया 4, ये आ गया 3। आपको क्या निकालना है? पी क्यू। नाउ आपको निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू कैसे आ जाएगा? ओ पी माइनस ओ क्यू, बोले तो 4 माइनस 3 1 सेंटीमीटर। 4 माइनस 3 कितना आ गया भैया? 1 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं करना। ये पूरा दिया हुआ है, आधा आ गया। ये पूरा दिया हुआ था तो ये भी कितना आ गया था? आधा आ गया था। ये आपको 5 और 5 गिवन ही है। पहले इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो आपने ओ पी निकाल लिया, फिर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई आपने ये निकाल लिया, ओ पी माइनस ओ क्यू क्या आ गया? पी क्यू। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, सही है। चेक करेंगे भैया, एनसीईआरटी में ऐसे प्रश्न दूर दूर तक नहीं मिलेंगे आपको, दूर दूर तक नहीं मिलेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिमिलर ये क्वेश्चन है, देखो इस बारी क्या हो गया, ये पी है और ये क्यू है। इस बारी क्या हो गया, पहले दोनों कॉर्ड सेम साइड ऑफ द सेंटर थी, यहां पर कॉर्ड्स अपोजिट साइड ऑफ सेंटर है, ठीक है। पहले क्या था? सेम साइड ऑफ सेंटर, अब क्या हो गया? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सेंटर आ गए। तो इस केस के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? काम तो अभी भी सेम है। देखो ओपी अभी भी कितना है, ए बी कितना है? 6। तो ये कितना हो गया? 3। ये कितना है बेटा हमारा? 4। ये कितना था? 5। ये कितना था? 5। तो ओपी अब भी कितना आएगा? 4। और ये अब भी कितना आएगा? 3। है ना, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक का काम कट कॉपी पेस्ट सेम एज प्रीवियस। सही है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। दोबारा करने की क्या जरूरत है? चेक करेंगे ना बेटा, सेम ही तो काम है, चेक कर लो। यहां पर भी तो ए बी 6 था तो ए पी 3 आ गया, सी क्यू कितना आ गया? 4। भाई ये वाली कॉर्ड इधर ही तो चली गई, ट्राइंगल तो सेम है, डायमेंशन भी सेम है। ये 3 5, तो 4 आएगा, 5 4, तो ये कितना आएगा? 3। अब आपके पास ओ पी कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर। ओ क्यू कितना है? 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या था? पी क्यू। पहले पी क्यू कैसे आया था? ओ पी माइनस ओ क्यू आया था, लेकिन अब कैसे आएगा? ओ पी प्लस ओ क्यू आएगा, दिस प्लस दिस। तो दोनों में बस एक ही बात का फर्क है, आंसर यहां पे 7 है, वहां 1 है। मेन बात का क्या फर्क है कि पहले वाले क्वेश्चन में दोनों कॉर्ड सेंटर के सेम साइड पर थी, यहां पर सेंटर के अपोजिट साइड पर। ये सेंटर है, अपोजिट साइड पर है। पहले क्या था? दोनों ही ऊपर थी, दोनों ही नीचे थी, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? क्लियर है। तो ये एक वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसका एक उल्टा क्वेश्चन भी है कि आपको डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू गिवन होगा, आपको क्या निकालना होगा? रेडियस। देखो कैसे, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, ए बी 10 है, सी डी 24, द कॉर्ड्स आर ऑन द अपोजिट साइड। यहां पर क्या क्या रखा है? द कॉर्ड्स आर ऑन अपोजिट साइड, तो फिगर भी हमको खुद ही बनानी है। तो ये आ गया ए बी, ये आ गया बच्चों सी डी, ये रहा सेंटर, ठीक है जी। ये 10 है और ये 24 है, अपोजिट साइड है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 17। तो अगर ये ओ पी है, ये ओ क्यू है, तो पी क्यू आपको कितना दे रखा है? 17 दे रखा है। आपको रेडियस निकालना है आर, ये रेडियस निकालना है, सही है जी। अब देखो फिर वही बात, ए बी कितना दिया हुआ आपको? 10 सेंटीमीटर। तो देयर फोर ए पी कितना हो जाएगा? 10 का आधा यानी 5 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली जो हमारा सी क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 17 सेंटीमीटर, विच इज गिवन। लेट करते हैं ओ पी को, अगर हम एक्स सेंटीमीटर लेट कर लें तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? 17 माइनस x हो जाएगा कि नहीं? अगर ये हम x लेट कर लें तो ये 17 माइनस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऊपर और नीचे वाले
ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो एन ट्राइंगल ओ पी ए, वही सेम काम, पी ए ओ कुछ भी लिख लो यार, क्या आया बेटा यहां पे देखो, आर का स्क्वायर जो होगा 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। काम तो वही हो रहा है, बस यहाँ नंबर की जगह अल्फाबेट्स आ गए हैं, r आ गया, x आ गया, ये 5 ही तो गिवन था आपको, और ये कितना गिवन था 12। अब इसमें लगा दो ओ क्यू सी, एन ट्राइंगल ओ क्यू सी क्या आ गया, r का स्क्वायर 17 माइनस x का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा सेकेंड। अब दोनों ही अगर आर स्क्वायर के बराबर हैं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 25 प्लस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 144, एक्स स्क्वायर से कट गया जी एक्स स्क्वायर, 34x इज इक्वल्स टू 25, यहां पर माइनस कर दो, ये आ गया 264, ये आ गया 408, और x की वैल्यू कहीं ना कहीं हमारे पास आ गई 12, x की वैल्यू आ गई है 12, ठीक है जी, हमें x से लेने देना नहीं, हमें r लेना है, x की वैल्यू आप यहां पुट कर दो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो जो r स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आ गया, ये आया बेटा 25, ये आया 144, तो r स्क्वायर आया 169, तो r की वैल्यू आ गई हमारी 13 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 13। देखो मुझे पता है कैलकुलेशन बढ़ गई, लेकिन क्वेश्चन का वेटेज भी बढ़ जाएगा, काम सेम ही करना है, यहां तक का काम बिल्कुल सेम है, ये x है 17, ये भी हमने क्या लगाया पाइथागोरस थ्योरम, ये भी हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, दोनों को बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू यहां डाल लो या यहां डाल लो, आपको वैल्यू किसकी मिल जाएगी, रेडियस की। सही है, डन है, कंप्लीट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे अच्छे हैं यार, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा है, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं बेटा, टू सर्कल्स हु सेंटर आर ओ एंड ओ डैश, भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हमारी ये, लेकिन मेरी किताब में भी है, मतलब चॉइस मेरी अच्छी है। टू सर्कल्स हू सेंटर आर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्टेड एट पी, दो सर्कल्स हैं, ये रहा जी एक सर्कल, ये रहा जी दूसरा सर्कल, ये पी पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मान लेते हैं ये दूसरा पॉइंट क्यू है, थ्रू अ लाइन पी, अच्छा एक का सेंटर है ओ और एक का सेंटर है ओ डैश, थ्रू अ लाइन, थ्रू पी अ लाइन पैरेलल टू ओ ओ डैश, ये लाइन है ओ ओ डैश, यहां से एक लाइन जा रही है जो कि पहले सर्कल को सी पे काट रही है, दूसरे सर्कल को डी पे काट रही है, प्रूफ करना है कि जो सी डी है वो डबल है ओ ओ डैश के। चलो तो प्रूफ करना है कि जो सी डी है वो डबल है ओ ओ डैश के, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, करना ये है कि एक कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है, ये रही ये रही, लेट से ये एम है और ये है एन है, ठीक है जी, आपको ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सी पी के एंड ओ डैश एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी डी के। प्रूफ देखो बहुत ही तगड़ा प्रूफ है, मतलब सिंपल है, जैसे एम एन जो है वो पैरेलल है ओ ओ डैश के, ये इसके पैरेलल है, ठीक है जी, गिवन है, ये दोनों 90 हैं तो ये भी क्या है पैरेलल है, ओ एम जो है वो ओ डैश एन के पैरेलल है, जब दो ऑल्टीट्यूड ऐसे होते हैं ना आपस में पैरेलल ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो पैरेलल गिवन है, ये हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक है ना, तो देयरफॉर अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल, तो क्वाड्रिलेटरल में बात समझी थी, एम एन ओ डैश ओ क्या बन जाएगा बेटा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, सही है जी, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, अगर ये पैरेललोग्राम बन गया है तो एम एन ओ ओ डैश के बराबर आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सही है जी,
इतना क्लियर हुआ, एम एन ओ ओ डैश के बराबर आ गया। अब एम एन को आप तोड़ लो, एम पी प्लस पी एन कर दो, ओ ओ डैश। वी कैन राइट एम पी एज सी पी का आधा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, पूरा परोस देना बढ़िया से। पी एन क्या हो गया भैया, पी डी का आधा, ओ ओ डैश। यह आया सी पी प्लस पी डी ट्वाइस ऑफ ओ ओ डैश आ गया, और सी पी प्लस पी डी मिलकर क्या बन रहा है भैया, सी डी इज ट्वाइस ऑफ ओ ओ डैश। ये आ गया, मुश्किल है, आसान है कि नहीं है? सी पी प्लस पी डी इज सी डी एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ ओ ओ डैश। कहानी समझ में आ गई? आसान है, आसान है, क्वेश्चन आसान है, बट बस कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखेंगे, फिगर बनाने का ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन को तो याद ही रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी अगर देखो इन फ्यूचर अगर आपके ये पेपर में आता है या आ चुका है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे पेपर में आया है, या अगर फ्यूचर में आएगा तो जस्ट फॉर अ काइंड जेस्चर आपको यहाँ पर इस लेक्चर में दोबारा आना है ढूंढ ढांड के और आपको कमेंट लिखना सर आपने ठीक कहा था, पेपर यहीं से आया था, कि ताकि आने वाले बच्चों को भी लगे कि हाँ भाई बंदा ठीक कह रहा है, ठीक है ना। चलो अगला, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड 9 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल। हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है अंकुर सैयद डेविड करके, अंकुर सैयद और डेविड, ये वही वाला क्वेश्चन है, लगभग वही है। कह रहे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी 9 सेंटीमीटर है, ये भी 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस बताना है। ये आर है, अगर ये आर है तो ओ एम आर बाई 2 होगा। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल पे इंस्क्राइब्ड होता है तो जो ऑल्टीट्यूड होता है वो सेंटर द्वारा 2:1 में काटा जाता है। ये बात आपको पता थी तभी आपसे अंकुर सैयद डेविड वाला क्वेश्चन हुआ होगा, नहीं पता थी तो नहीं हुआ होगा। और अगर नहीं पता थी तो मैं आपको बता भी रहा हूं, और अगर देखना चाहते हो अंकुर सैयद डेविड तो लेक्चर में जाके देख सकते हो। तो क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन 2:1। तो इफ ओ ए इज आर देन ओ एम इज आर बाय 2। तो ओ एम क्या हो जाएगा बेटा, आर बाय 2। ये कितना है बेटा, ये तो आर ही है, और ये कितना है 9/2, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस ट्राइंगल में आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल बी ओ एम में क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, कि बी ओ का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर बी एम का स्क्वायर। बी ओ का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर आ गया, ओ एम का स्क्वायर क्या हो गया भैया, आर स्क्वायर बाय 4 हो गया, और बी एम का क्या हो गया, 81/4 हो गया। 4 इधर, 4R² आर स्क्वायर प्लस 81, 3R² 81 कट जाएगा, आर स्क्वायर 27, आर की वैल्यू आ गई 3√3 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया बेटा हमारा 3√3 सेंटीमीटर। धमाकेदार क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम, आर का स्क्वायर, आर बाय 2 का स्क्वायर, 9/2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लिया। इस चीज को आपने याद रखना है, सेंटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्वल ट्राइंगल इन 2:1। ऑल्टीट्यूड को वो 2:1 में, तो अगर ये 1 है तो ये हाफ, ये 5 है तो ये 2.5, ये 10 है तो ये 5, ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, सही है। आगे इंपॉर्टेंट है ये बात, पी क्यू एंड आर क्यू आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है जी। पी क्यू और आर क्यू, ये क्यू इधर आ गया, पी क्यू और आर क्यू दो कॉर्ड्स हैं विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, जिसकी दूरी सेम है, दूरी सेम है तो कॉर्ड भी सेम ही होंगी। प्रूव दैट द डायामीटर पासिंग थ्रू क्यू बाइसेक्ट द एंगल पी क्यू आर, ये यहाँ से जा रहा है, आपको प्रूव करना है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है, और एंगल पी एस आर यानी ये एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है,
ये प्रूफ करना है। दोबारा बताता हूँ, पी क्यू और आर क्यू की दूरी सेंटर से सेम है इफ डिस्टेंस ऑफ, या ऐसे लिखते हैं, इफ पी क्यू एंड आर क्यू आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, तो देयर फोर पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर आ जाएगा। ओके आपको प्रूफ क्या करना, और ये क्या दे रखा है डायमीटर, आपको प्रूफ करना है कि एंगल 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। तो आप इसे प्रूफ कैसे करने वाले हो, जल्दी बता दो इसको आप प्रूफ कैसे करने वाले हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रूफ करोगे। पहली बात तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, सही है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये भी आपस में बराबर है। तो इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल RQS तो एंगल P जो है वो R के बराबर है, ईच 90, सही है। फिर हाइपोटन्यूज जो QS है वो QS के बराबर है, और जो PQ है वो QR के बराबर है, अभी प्रूफ किया है। तो देयरफॉर ट्राइंगल PQS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा RQS के बाय RHS, कॉन्ग्रुएंट हो गया, बस फिर तो हो ही गया, एंगल 1 2 के 3 4 के बराबर आ गया बाय CPCT, बायसेक्ट हो गया ना, बायसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स। सॉर्टेड, बढ़िया क्वेश्चन, सारे बढ़िया ही है यार, मैं कोई घटिया क्वेश्चन थोड़ा लाऊंगा तुम्हारे लिए। चुम्बेश्वरी क्वेश्चन, भाई साहब मजा ही आ गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ कट एट राइट एंगल एट ई। ये एक सर्कल है, कहीं भी बना लो वैसे, तो ये रहा एक ये और एक ये, सही है। तो ये आ गया हमारा ए बी और ये आ गया हमारा सी डी, ये कहां पर मिलते हैं बेटा, ई पर, और ये राइट एंगल है। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, थोड़ा सा नीचे मान लो क्योंकि मुझे अच्छे से पढ़ाना है ना आपको, मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर दिख तो रहा नहीं है लेकिन चलो दोबारा बना दूँ, तुम भी क्या याद रखोगे, लो कैसे मर्जी इंटरसेक्ट करा लो, मतलब ये, ओहो कितना चूजी हो गया हूँ मैं, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, मान लेते हैं ये ए और यहाँ ले लेते हैं हम सेंटर। ओके M एंड N आर मिड पॉइंट ऑन ए बी, ये M है और ये N है, मिड पॉइंट है। आपको प्रूफ करना है ओ एम ई एन, ये स्क्वायर होगा, ये 90 आपको गिवन है, आपको ओ एम ई एन को स्क्वायर प्रूफ करना है। व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज स्क्वायर, जिसके सारे एंगल 90 के होंगे और उसकी एडजेसेंट साइड बराबर होंगी, उसको क्या बोलोगे आप स्क्वायर। तो ढंग से देखो, एंगल ई 90 है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, एम is mid point on AB, therefore OM जो होगा वो perpendicular आ जाएगा AB के, perpendicular from center to the chord bisect the chord, और अगर वो bisector है तो perpendicular होगा, ये पता ही थी आपको। तो which implies angle M कितने degree का आ गया, 90। similarly angle N कितने degree का आ गया, 90। तो यानी angle M, एंगल N, एंगल E, ऑब्वियस ही बात है O, ये सारे एंगल कितने के आ गए भाई, 3 90 के हैं तो चौथा भी 90 का ही होगा। तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर मुझे इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो इसकी एडजेसेंट साइड बराबर करनी पड़ेंगी, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, इफ ए बी जो है वो सी डी के बराबर है तो ओ एम जो होगा वो ओ एन के भी बराबर होगा। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ओ एम जो होगा वो ओ एन के बराबर भी होगा। तो अ क्वाड्रिलेटरल हूज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स एडजेसेंट sides are equal, then
इट इज अ स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर, तो 10 ओ एम ई एन इज अ स्क्वायर, सारे एंगल 90 के हैं, एडजेसेंट साइड बराबर हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायर बन जाएगा, क्लियर है, डन, सिंपल क्वेश्चन है, सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आराम से देखना, कोई जल्दबाजी नहीं, अगर दोबारा ना आए तो पीछे से थोड़ा सा रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। नाउ दीज क्वेश्चंस, बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी, अच्छा ये डी है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये हमारा डी होगा, ठीक है, एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, यानी एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, पासिस थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है जी, और सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, आपको प्रूव करना है एबी जो है वो सीडी के बराबर है, एबी जो है वो एसी के बराबर है, तो ये तो कर लेंगे यार होमवर्क में, इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लोगे आप, कॉन्ग्रुएंट तो काम हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये वाला तो एक तो होमवर्क में दिया जा सकता है, यस और नो, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, हो जाए तो कॉमेंट में लिख देना होमवर्क डन, ठीक है जी, हो जाए तो कॉमेंट में लिख दीजिएगा होमवर्क डन। अगला सवाल क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ए सी इज 30 डिग्री, अच्छा ये बता दूं ये बी इसी पर ही है और सी इसी पर ही है, बी ए सी कितने डिग्री का है हमारा, 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का बेटा, सही है, और शो दैट बी सी इज द रेडियस, आपको प्रूव करना है कि जो बी सी है वो रेडियस होगा, देखो कह रहे हैं एंगल बी ए सी 30 डिग्री का है, तो देयर फोर आप मुझे बताओ कि एंगल बी ओ सी कितने डिग्री का होगा, 60 का, क्यों होगा, एंगल मेजर थ्योरम, ये 30 का है तो ये कितने का होगा बेटा हमारा 60 डिग्री का, एंगल मेजर थ्योरम, ठीक है जी, डन है जी, तो ये आ गया 60 डिग्री, बी ओ जो है वो ओ सी के बराबर है, ठीक है ना, तो एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे बेटा, ठीक है, मतलब अगर ये बराबर है रेडियाई तो ये भी बराबर होंगे बेटा, कारण क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल, और ये आ गया इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिख लोगे तो यार छोटी छोटी बातें, एंगल अपोजिट टू Equal sides are equal, सही है, अभी दोनों बराबर आ गए, इन ट्राइंगल बी ओ सी ओ बी सी ओ सी बी और एक 60 था, किसके बराबर आ गया 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम है तो ट्वाइस ऑफ ओ बी सी कर सकते हैं बेटा, ये वहां चला जाएगा 120, तो ओ बी सी भी आ गया 60, ओ सी बी भी कितना आ गया 60, और एंगल बी ओ सी बी क्या आ गया 60, ये 60 ही था, अभी दोनों भी कितने आ गए 60-60 के, तो 10 ट्राइंगल बी ओ सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल बी ओ सी जो होगा बेटा वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, सही है, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या बी सी जो है वो ओ बी के बराबर नहीं होगी, क्या ओ बी रेडियस नहीं था, ये तो प्रूफ करना था कि जो बी सी है वो ओ बी के बराबर है, हो गया, बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले हमने क्या किया, दिस इज 30 देन दिस इज 60, ये क्या आ गया 60, ये 60 था, चलो तो ये दोनों साइड बराबर थी, ये एंगल बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो ये इक्वल ट्रायंगल बन गया, अगर ये इक्वल ट्रायंगल है तो बी सी किसके बराबर होगा, ओ बी, यही प्रूफ करना आपको, सही है। अगला प्रश्न, अब ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आप भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मैं आपकी हेल्प करता हूँ, पहले आप कर लो, देखो बड़े प्यारे से क्वेश्चन है, इसको हम यही निपटा देंगे, कह रहे हैं कॉर्ड ई डी इज पैरेलल टू डायमीटर ए सी, ये पैरेलल है, बहुत बढ़िया, गिवन एंगल सी बी ई 65 डिग्री, सी बी ई, सी बी ई 65, दिस इज 65, आपको निकालना है डी ई सी,
DEC ये वाला एंगल निकालना है। निकालो कैसे निकलेगा, सिंपल ही है वैसे तो। ये अगर 65 है तो बच्चों ये वाला बताओ ये कितने का होगा, 65 नहीं होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, दोबारा हटा दूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही सेगमेंट के अंदर बन रहा है, ये रही सेगमेंट इधर, हाँ है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट, सही है पहली बात। दूसरी बात, अगर ये 65 है तो मुझे बताओ ये वाला एंगल कितने का है, 90 डिग्री, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल। ये 65 है, ये 65 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा बेटा, 25, एंगल सम प्रॉपर्टी। और अगर ये 25 है तो ये वाला भी क्या होगा, 25, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये पैरेलल दिया हुआ था। आसान क्वेश्चन है ना, ये 65 तो ये 65, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये 65, ये कितना है हमारा 90, एंगल इन सेमी सर्कल, तो ये आ गया हमारा 25, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 25 तो ये भी क्या आ गया 25, क्यों आया, समझ गए क्यों आया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ देखो ये भी आसान है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, बी ई जो है वो डी ई के बराबर है, अच्छा सब कुछ ही बराबर है, बी ई जो है वो डी ई के बराबर है और ए ई जो है वो इसके बराबर है, ठीक है जी। अच्छा प्रूफ करना है ये सब, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, प्रूफ करो कि ये दोनों आपस में बराबर है। ओहो मैं खुशी हो गया, मैं पूछ क्या रहा है फिर ये, ठीक है जी। वेयर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यार इन दोनों को क्या कर दो कॉन्ग्रुएंट, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट, और ये तो इसके बराबर है, तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ये इसके बराबर आ जाएगा और ये वाला इसके बराबर आ जाएगा। ये भी हमने दे दिया आपको होमवर्क, ये हो जाए तो बोल देना होमवर्क डन, सिंपल था यार, पूरा ही करा दिया वैसे मैंने आपको। ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों है, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये वाला क्यों है, एंगल इन सेम सेगमेंट, और ये क्यों बराबर है, ये तो गिवन है, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर आ जाएगा, सही है। इन इफ एंगल ए सी बी, कह रहे हैं इफ एंगल ए सी बी इज 40 डिग्री, ए सी बी ये 40 है बेटा, और एंगल डी पी बी, डी पी बी ये कितने का है, 120, तो आपको सी बी डी निकालना है, सी बी डी बहुत सिंपल है, ये 40 है तो बेटा ये कितना होगा, ये सब 1-1 मार्क में आते हैं, ये 40 है तो ये कितना होगा, 40, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये 120, ये 40, तो ये कितना बच जाएगा बेटा, ऑब्वियस ही बात है ये कितना बच गया, 20 डिग्री का बच गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर है। चलिए तो दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा आसान है, तो देखते हैं क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ओके बताया था ना साइक्लिक, जिसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, और ए बी डायमीटर दे रखा है, ठीक है, एंगल ए डी सी 130 है, ए डी सी ये कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री, सही है। आपको क्या निकालना है, बी ए सी, बी ए सी, तो देखो भैया सबसे बात, ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50, इन दोनों का सम कितना होता है 180, ये कितना हो जाएगा हमारा 90, एंगल इन सेमी सर्कल, बोल रखा है डायमीटर है, 90 या 50 है तो ये वाला कितने का आ गया हमारा 40, यही पूछा था आपसे। तो आखिरी के तीन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, जो कि आप खुद भी कर सकते हो, मेजर तो मैंने अपोजिट साइड सेम साइड वाले क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा ना और कोई सर्कल आता नहीं है, बाकी अगर कोई और बाहर आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है जी, डन। अब अच्छा मैं आपको बता दूँ, इसी प्रकार सारे चैप्टर्स के वन शॉट ऑलरेडी पुराने बन रखे हैं, जाके आप देख सकते हो। अब किसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको चाहिए वो आप मुझे बता दो, देखो मैं ट्रायंगल तक के एक्स्ट्रा क्वेश्चन, चलो आपको अगर किसी भी चैप्टर के दोबारा चाहिए दोबारा बता दूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, तो उसके लिए कॉन्टेंट बढ़िया आ सकता है, तो आप मुझे बता दो किसके आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, आपके एग्जाम्स बहुत पास आ गए हैं, फरवरी आने वाला है, पीटीज चल रहे होंगे, कौन से चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तुम्हारे भाई को बता दो, तुम्हारा भाई ले आएगा, वो फटाफट ले आएगा, आप बताओ ना फिर लाएंगे। आप सोचते हो, आप कहते हो कि सर 9th का लेक्चर बड़ा ले आता है, हम खुद कन्फ्यूज हैं क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा चुके हैं, सब कुछ यहीं पर ही है, ठीक है ना। तो 9th का वन शॉट्स
सर्कल का जो कि बताया मैंने आपको, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और क्रैश कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा। ठीक है जी, मेहनत करो, पढ़ाई करो, कोई डाउट है तो ग्रुप आप इसमें बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगला चैप्टर किसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड हो, या सर एक बार फास्टली एक चैप्टर पढ़ा दो वो कौन सा हो तो वो भी बता देना। मान लो अगर सर एक बार फास्टली पढ़ा दो वो कौन सा है तो बता देंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।